तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 500 वर्षों के इंतजार के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। दुनिया भर से लोग राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आए। मैं यहाँ अयोध्या में भगवान राम का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। मैं उन लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, कांग्रेस चुनाव के दौरान झूठ फैलाने का काम करती रही है, ये स्पष्ट कर दिया गया कि प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए निमंत्रण वर्तमान और पूर्व राष्ट्रपतियों को भेजा गया था। राहुल गांधी का झूठ देश के सामने उजागर हो गया है। पांच सौ वर्षों के लंबे इंतजार के बाद, 100 साल से ज्यादा कोर्ट मुकदमों के बाद, राम जन्मभूमि में रामलला की भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश और दुनिया भर के लोग आए और उसके बाद भी लाखों लोगों का आना जाना रहा। आज मेरा भी सौभाग्य है प्रभु राम के चरणों में शीश झुकाकर उनका आशीर्वाद भी मिला है। तो वहीं पर मैं उन लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं जो राजनीति कर रहे हैं और ओछी राजनीति कर रहे हैं, और इस पर स्पष्ट तौर पर पता चलता है कि जब न्यास के अधिकारियों ने बोल दिया कि इनविटेशन निमंत्रण गया था पूर्व राष्ट्रपति जी को भी और वर्तमान राष्ट्रपति जी को भी, तो दूध का दूध पानी का पानी होता है, विपक्ष का चेहरा बेनकाब होता है, श्रीमान राहुल गांधी जी का झूठ एक बार फिर देश के सामने आता है।